जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीपेड कार्ड के विषय में। दोस्तों इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे आखिर ये प्रीपेड कार्ड क्या होता है, प्रीपेड कार्ड का यूज़ क्या होता है, इस प्रीपेड कार्ड को आप किस तरीके से ले सकते हैं, कहां से ये आपको मिलता है, इसके अंदर क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं, ये सभी जानकारियाँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रीपेड कार्ड है ये बेसिकली एक पेमेंट कार्ड होता है, ठीक उसी तरह जैसे आज आपके डेबिट कार्ड या कोई क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन ये उनसे अलग होता है। अलग ऐसे होता है कि ये जो प्रीपेड कार्ड होता है, सबसे पहले तो ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है, यानी कि कुछ भी पैसा आप जब इसके जरिए खर्च करेंगे तो उसका कोई भी रिकॉर्ड आपके बैंक अकाउंट में वहाँ पर नहीं दिखेगा। अगर आप ATM कार्ड से पैसा निकालते हैं, आप डेबिट कार्ड से पैसा निकालते हैं, तो उसकी एंट्री आपके अकाउंट में चढ़ जाती है, लेकिन प्रीपेड कार्ड के साथ ऐसा नहीं है। जो भी आप उससे खर्च करेंगे वो आपके अकाउंट पर शो नहीं होगा, कोई हिस्ट्री वहां पर उसकी क्रिएट नहीं होगी। अब दूसरा इसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जब आप ATM कार्ड से पैसा खर्च करते हैं तो वो आपके अकाउंट से कटता है, आप क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च करते हैं तो वो आपको उधारी के तौर पर दिया जाता है, लेकिन इस प्रीपेड कार्ड में आपको पहले पैसा डिपॉजिट करना होगा उस अकाउंट के अंदर, उस जो कार्ड का आप जो कार्ड लेते हैं प्रीपेड कार्ड, उस कार्ड में आपको पैसा जमा करना होगा। जब आप उस पैसे को कार्ड में जमा कर देंगे तो उसके बाद उस कार्ड के जरिए आप पैसे को यूज कर पाएंगे। प्रीपेड कार्ड इससे ही आप समझ सकते हैं, पहले आपको पैसा देना होगा और उसके बाद फिर आप उसको खर्च कर पाएंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रीपेड कार्ड को आप जब यूज करेंगे तो इसको आप शॉपिंग के लिए, यानी कि कुछ ऑनलाइन खरीदी करना चाहते हैं या कहीं मॉल पर आपको POS पॉइंट पर मशीन पर इसको यूज करना चाहते हैं वहां पर इसको यूज कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको यहां पर कोई कैश विड्रॉल करना है, ATM से पैसा निकालना है, तो भी आप इस कार्ड को यूज कर पाएंगे। इसके अलावा कोई बिल पेमेंट्स आपको करने हैं तो वो यहां पर आप कर सकते हैं, आपको मनी ट्रांसफर करना है तो वो भी यहां पर आप कर पाएंगे, यानी कि ये इतने सारे यूजेस हैं इस कार्ड के। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रीपेड कार्ड होता है ये बेसिकली ये जो कार्ड, इसको हम ट्रांजेक्शनल कार्ड कहते हैं क्योंकि इसमें आपका पैसे का लेन देन इस कार्ड के थ्रू आप आसानी से कर पाते हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रीपेड कार्ड होता है इसके कुछ डिसएडवांटेज यानी कि कुछ नुकसान भी होते हैं। इसमें अगर आप लिमिट से ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं तो आपको इसमें जब पैसा आप भरेंगे तो उसका कुछ चार्जेस आपको देने होते हैं। अगर आप इस कार्ड को बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं तो इनएक्टिविटी के कारण भी आपको यहाँ पर चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा जब ATM से कैश विड्रॉल करते हैं, कैसा पैसा निकालते हैं इस कार्ड का यूज़ करके, तो भी वहाँ पर आपको चार्जेस देने होते हैं। कुछ मंथली और कुछ यहाँ पर एनुअल चार्जेस होते हैं जो इस कार्ड के लिए आपको यहाँ पर देने होते हैं। तो दोस्तों ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया कि ये प्रीपेड कार्ड क्या होता है, और दोस्तों इस कार्ड को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी बैंक में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लोन देने का काम करता है या पैसा देने का काम करता है वहाँ पर भी जाकर इसको आप आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों और ऐसे जानकारी भरे वीडियोज़ को फ्यूचर में देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।